अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ हेलो सर, मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ सर मैम, ये बात है कि जब भी कोई हिंदू इस भारत जो है पूरा हिंदू धर्म से है, तो ये बहस ये करते हैं कि मुसलमान कांग्रेस जो है मुसलमान और हिंदू में जो बहस करते हैं कि बोलते हैं कि कोई अभी देखिए कुछ दिन पहले सीएम ने जो कश्मीर घाटी में की मुसलमान राष्ट्र, अभी तक बहस नहीं हुई, लेकिन जब आज कोई एक हिंदू बोल सकता है कि मैं एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्रवादी, तो ये बहस क्यों हो रही है? ये कांग्रेस की राजनीति चल रही है कि दोनों में झगड़ा लगे किसके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। ये बहस क्यों चल रही है, यही तो हमारा कहना है, लेकिन ये बहस जरूरी थी। और मोदी जैसे व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो व्यक्ति जा रहा है, उसने इस देश में पहली बार ऐसा कह के दिखाया है। यहां जाने के लिए तो लोग जिना के ना मजार पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, उसको सेक्युलर कहते हैं, कोई बस चलाते हैं, कोई क्या करते हैं, लेकिन ये हिम्मत की है। शायद इससे मोदी को राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इस देश में एक चेतना जगी है, इसका फायदा आप राजनीतिक नफा नुकसान से नहीं गिन सकते। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो हमारी दया चली जाएगी, हमारी सत्यता चली जाएगी, हमारी निष्ठा चली जाएगी। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है, हमें हिंदू होने पर बहुत बहुत गर्व है। हिंदू का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, हम सारे संसार को प्रेम करने वाले आदमी है। अगर हिंदुस्तान में हिंदू तो निकल जाएगा तो क्या बाकी रहेगा? जय हिंद, धन्यवाद। हिंदू तो भारत से नहीं, दुनिया से निकल जाएगा तो दुनिया का क्या रहेगा? क्योंकि कोई है जो इस पूरे दुनिया को बाजार समझता है, कोई है जो तलवार के दम पर इसको लूटकर अपना शासन लाना चाहता है। यही तो हिंदुत्व है, जो पूरे दुनिया को अपना परिवार समझता है, और इसीलिए ये सेक्युलरिज्म यहां बचा है और दुनिया दुनिया में भी मानवता बची है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। सर वोट बैंक की राजनीति, ये हिंदू राष्ट्रवाद की बात से सिर्फ उन्हीं लोगों को आपत्ति है जो इस देश में सालों से वोट बैंक की राजनीति की दुकान चला रहे हैं। अब एक आदमी जब मतलब सबको साथ लेकर और विकास करने की बात कर रहा है तो उन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। वो तो चाह रहे हैं कि हम उसी तरह से इस देश के अंदर भ्रष्टाचार करते रहे, लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांटते रहे और उनका वो सिस्टम चलता रहे। और अब ऐसा होगा नहीं, देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी के साथ है और वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे और देश का सबको साथ लेकर और सबका विकास होगा। सर धन्यवाद, हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्यों हम आपको ऐसा कह रहे हैं। देखिए, देश के कई नेताओं का हिंदू राष्ट्रवाद को न पहचान पाना, कई नेता आज हिंदू राष्ट्रवाद पर आपत्ति कर रहे हैं। इन नेताओं को देखकर ऐसा लगता है कि राष्ट्र क्या है इसकी भी इन्हें पहचान नहीं। अंग्रेजी शासन के गुलाम अभी भी कई नेता, अंग्रेजों ने फूट डालकर भारत को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर तोड़ने की साजिश रची, इसमें वो कामयाब भी हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसी ही फूट का नतीजा रहे। आज भी कई नेता धर्म निरपेक्षता के नाम पर अंग्रेजों जैसे हालात पैदा करने पर तुले हुए हैं। आधुनिकता के नाम पर हिंदुत्व को धर्म से जोड़कर नकारना, भारत में कई कम्युनिस्ट और सेक्युलरवादी भारतीय संस्कृति को जादू टोने की संस्कृति बताकर नकारते रहे हैं। ये लोग आधुनिकता के नाम पर लोगों को पाश्चात्य संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं। हिंदुत्व को सांप्रदायिक बताकर प्रचार करना, 11 दिसंबर 1995 में न्यायाधीश जे एस वर्मा की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने हिंदुत्व की परिभाषा दी। उसमें साफ साफ कहा गया कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, एक संस्कृति है। संस्कृति कभी सांप्रदायिकता नहीं फैला सकती, लेकिन कई लोग इसे सांप्रदायिक बताकर प्रचार कर रहे हैं। आज के राष्ट्रवादियों द्वारा हिंदुत्व का सही प्रचार न कर पाना, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया, दुनिया हिंदुत्व की प्राचीनता और महत्व के बारे में समझी, लेकिन आज विवेकानंद की तरह हिंदुत्व को समझाने वाला कोई भी सामने नहीं आ रहा। कॉलर के पास चलते हैं। जहन, बोलिए। जी सुरेश जी नमस्कार, हिमांशु बोल रहा हूँ अमेरिका से। हाँ, मैं इस मुद्दे पर यही कहना चाहता हूँ कि वीर सावरकर की हमें परिभाषा याद करनी होगी हिंदुत्व की, जो उन्होंने कही थी। उनका कहना था कि ये देश की संस्कृति में वही हिंदू है और वही भारतीय है जो इस भूमि का भूमि पुत्र है और इस भूमि को अपनी पुण्य भू मानता है। ये लोग सही अर्थों में भारतीय हैं, इन्हीं की इस देश में जीवन यापन करने का अधिकार है, न कि उन गद्दारों और देश विरोधी लोगों का जो कि भारत माँ और संस्कृति का अपमान करने की चेष्टा निरंतर करने में जुटे रहते हैं। ये समझ लेना आज बहुत आवश्यक है कि लोग
जो हिंदुत्व को एक सांप्रदायिक योजना कहते हैं और उन मुगलों के इतिहास का महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, एक बार उनको इतिहास ढंग से पढ़ाया जाए तो वो उन मुगलों को भूल जाएंगे और समझेंगे कि उनका वंशज हिंदू था जिन्हें मार मार कर मुसलमान बनाया गया है, और उस देश की जो गति की गई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक और वैश्विक समीकरण है। हिंदुत्व एकमात्र धर्म है जो सिर्फ धर्म है, रिलीजन नहीं है। रिलीजन में एक राजनीतिक एजेंडा होता है लोगों को बर्बाद करने का, लोगों को कन्वर्ट करके अपने नीचे दबा के रखने का। हिंदुत्व वह नहीं है, हिंदू एक जीवन यापन करने की संस्कृति है, यह समझना बहुत आवश्यक है। बस यही मेरा इतना कहना है कि लोग हिंदुत्व को सांप्रदायिक योजना से बदले ये समझें कि देश की आत्मा है, ये बिल्कुल, नहीं रही धन्यवाद, तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। अमेरिका से ये भारतीय कॉलर अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन हम यहाँ बैठे समझ नहीं रहे हैं। क्या आप जानते हैं इसी हिंदू धर्म के लोगों के अमेरिका में जो कंट्रीब्यूशन है, वहाँ के विकास और अमेरिका को बनाने में जो उन्होंने योगदान दिया है, इसलिए वहाँ पर एक स्टेट में अधिकृत तौर पर अक्टूबर महीने को हिंदू धर्म का सेलिब्रेशन मंथ डिक्लेयर किया गया है। और हमारे यहाँ पर हम रोजा करने में, रोजा इफ्तार पार्टी करने में तो सेक्युलरिज्म देखते हैं, लेकिन नवरात्र में कभी किसी के उपवास खोलने के लिए, किसी को नाश्ते तक को बुलाने के लिए यहाँ के नेता हाथ और नाक मुंह मोड़ते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय जय हिंद। छोटे से भाई बोलिए। साहब देखो, हिंदू आतंकवाद बोला जब तो किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, भगवान आतंकवाद बोला तब तो किसी ने हिंदू ऑब्जेक्ट नहीं लिया, और मोदी जी ने खाली हिंदू राष्ट्र धर्म बोला कि मैं हिंदू धर्म का हूँ और हिंदू धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और हिंदू हूँ इसलिए मैं देश राष्ट्रभक्त हूँ, तो इन्होंने इतना उहापा क्यों मचा दिया है? और हिंदू कहना क्या कोई पाप बिल्कुल है? यही हम कह रहे हैं। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि इस देश में हिंदू राष्ट्रवाद की संकल्पना का विरोध क्यों हो रहा है। और आज के बिंदास में शुरू से लेकर अब तक नेटिजन, कई लोगों ने फेसबुक पर और हमारे सोशल मीडिया के सारे साइट्स पर प्रतिक्रिया दी है, जो ये कहती है कि इस पर आपत्ति लेने वाले देशद्रोही है, धर्मद्रोही है या अज्ञानी है। इस पूरे घंटे के कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं, वॉइस कॉल करके स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप पहुंचा सकते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करके, ट्विटर पर ट्वीट करके आप पहुंचा सकते हैं, स्काइप से वीडियो कॉल करके भी। कई लोग आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए उत्सुक है, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद चौहान जी। सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा, आज तक देश में किसी भी न्यूज चैनल ने जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो किसी भी न्यूज चैनल ने उठाए नहीं है। और सबसे पहले तो मैं भारतीय होने पर गर्व करूंगा और फिर मैं हिंदू होने पर गर्व करूंगा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि भारतीय होना और हिंदू होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हिंदू धर्म का तो, हिंदू धर्म के घर का तो चूल्हा भी होना ही बड़ा फक्र की बात है, जिसमें आत्मीयता, मां प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अहिंसा भरा पकवान बनाया और परोसा जाता है। और बिल्कुल धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जैन सर बोलिए। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ से हिंदू शब्द को, उससे जुड़े नामों को असहज कर दिया है, चाहे आदि पुरुष हो, परम पुरुष हो, श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम पुरुष हो, उसे तो क्या उसके वस्त्रों तक को सांप्रदायिक बम बनाने में दिन रात लगे हैं। हिंदू आदर्शों को किताबों से निकालकर चौराहों, सड़कों, पार्कों में ले आए हैं। हिंदू श्री गणेश करे या न करे उनकी मर्जी, पहले अंक अब शब्द भी सांप्रदायिक हो गए हैं। गांधी जी को जहां हम राष्ट्र के साथ जोड़ने में कामयाब रहे, वहीं उनकी राम राज्य की कल्पना दिन प्रतिदिन दम तोड़ते जा रही है। अब राम बोलने से भी डर लगने लगा है, पहले एक ने छोड़ा, फिर सब ने छोड़ा, अब मृतक को ले जाने वाले भी राम राम नाम का उच्चारण छोड़ चुके हैं। वहीं कहीं कोई सांप्रदायिक ना बोल दे, हिंदू शब्द एटम बम बन चुका है। अब तो चाहे राम के आगे लगे, मोदी के राष्ट्रवाद के आगे लगे, हम अपने बारे में सोचते तो राष्ट्र के बारे में सोचते, हम दूसरे सांप्रदायों के बारे में सोचते हैं जो धर्म से तो एक है ही, कर्म से भी एक है, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर कोई सवाल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें चोटी से बांधा, जनेऊ से बांधा, धोती से बांधा, लेकिन हमारी स्वच्छंदता के कारण ही कभी हम सरनेम बदलते हैं, अब हमने धर्म नेम भी बदलना शुरू कर दिया है, जिससे हमारी दशा और दिशा दयनीय हो चुकी है। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद। वाह, अगले कॉलर के पास चलते हैं।
जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। मिस्टर राजेश जी बोल रहा हूँ बेंगलोर से। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस के उन नेताओं से आपको क्या उम्मीद है जो वंदे मातरम के नाम पर अपने संसद से उड़ करके भाग जाते हैं। ये सब देशद्रोही है। ठीक है, हम हिंदू हैं। अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। सर मैं न्यूयॉर्क से नवदीप बोल रहा हूँ। मैं आपको रियली अप्रिशिएट करता हूँ, आपने ये टॉपिक उठाया है। आजकल पूरा मीडिया, पूरी पूरा पॉलिटिकल सर्कल सब कुछ बिक चुका है। आपने ये टॉपिक उठाया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस और ये सेकुलरिज्म को लेके इतना बड़ा टॉपिक उठाती है, नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलता है वो हाईलाइट हो जाता है। कांग्रेस ने इतने दंगे करवाए, इतना सब कुछ करवाया, इन्होंने देश को लूट लिया 65 साल से, किसी ने आज तक इनके हिसाब नहीं मांगा। और मोदी ने 2002 में कुछ नहीं किया, कोई ढंग से रिपोर्ट पढ़ने को तैयार नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने उसको बोला कि वो एक हिंदू नेता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इस मंथ से कि मोदी पहला भारत माँ का ऐसा शेर है जिसने दुनिया को बताया है कि इंडिया नाम का कोई देश अब मंच पे है। और वो अगर पीएम बना, मैं न्यूयॉर्क से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यूएस की सरकार भी हिलने वाली है अगर मोदी आ गया तो। और मैं ये देखना चाहता हूँ। धन्यवाद। यही हम कह रहे हैं कि ये मोदी ने बोला इसलिए मुद्दा है, क्योंकि अटल जी तो कवि थे, बोलते गए, लेकिन अटल जी में वो हिम्मत उतनी शायद नहीं थी। मैं उनको कम नहीं लिख रहा हूँ, मैं उनका अपमान नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं उनको डिवेल्यूएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अपनी अपनी हर व्यक्ति की अपनी ऊर्जा होती है, एक तरीका होता है। अटल जी ने कहा, कविता तक सीमित रखा, राजनीतिक स्वार्थी लोग उनके साथ इतने बड़ी संख्या में थे कि उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर तमाम उन मुद्दों को छोड़ दिया, जिस कारण भाजपा आज भी सत्ता से बाहर है और शायद दोबारा जाने के लिए लड़खड़ा रही है। अटल जी की फिर भी हम आपको कुछ कविताएं दिखाते हैं कि अटल जी ने कहा उसका विरोध या डर नहीं, फिर भी वो सेकुलर है, और मोदी कहते हैं तो उसका डर है, सेकुलर है। देखिए खुद अटल जी कहते हैं कि हम दुनिया के लोगों का यहाँ कैसे स्वागत करते हैं। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया, जब जब मानव सब कुछ खोकर, मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर, चल निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर, जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मैंने छाती का लहू पिला, पाले विदेश के सुजित लाल, मैंने छाती का लहू पिला, पाले विदेश के एक सुजित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल वर विशाल, जग से ठुकराए लोगों को, लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट, तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग मेरा। ये अटल जी ने भी कहा, और कितनी बड़ी व्याख्या की है कि दुनिया में जिनको चलने के लिए पथ नहीं रहा वो यहाँ पर आए, उनकी शरणस्थली बनी भारत, ये हिंदुस्तान, और अपने सीने का दूध माँ ने, भारत माँ ने उनको पिलाकर बड़ा किया, वो सत्ता में यहाँ का मुकुट, उनके मुकुटों में यहाँ का हीरा जड़ा, ये इतना इतना विशाल हृदय वाला ये हिंदुस्तान। लेकिन अटल जी और एक बात बोलते हैं, ये बात अगर मोदी बोलेंगे तो न जाने क्या होगा, दुनिया भर में बवाल होगा। वो देखिए अकबरों के वंशज कहकर क्या कहते हैं।